के रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जिनकी सारी डिटेल वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल है। अगर आपको मेरी कोई भी बात क्लियर से समझना है तो आप एक बार ज़रूर नीचे चेक कर लीजिएगा। और यही लिस्ट हमने एक दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी थी। सो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं कॉलेजेस के साथ जो ओपन हो रहे हैं, प्रोग्राम कौन से ओपन हो रहे हैं, या फिर कोई ऑफर चल रहा है जैसे एप्लीकेशन फीस कर वेवर चल रहा है अभी, तो ऐसे आप चीज़ों के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम पहले पोस्ट करते हैं और वीडियोज़ बाद में आती हैं, ठीक है जी। आईएएस की रिक्वायरमेंट 6 ईच की है, 60% के आसपास ओवरऑल चाहिए आपके एकेडमिक्स, एंड $100 एप्लीकेशन फीस है, बट वेवर चल रहा है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें परसेंटेज ऑफ मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको कर देंगे। एंड प्रोग्राम जो जो अवेलेबल हैं जैसे हैं, और हाँ, ट्यूशन फीस इसकी फ्रॉम 17 to 30,000 तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम यू आर गन अप्लाई इन। एंड एक दो दिन पहले, एक दो दिन तो नहीं, ऑलमोस्ट वीक पहले हमने एक पोस्ट भी की थी लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स जो हमें अवेलेबल है। तो आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जा से कर लीजिए। तो जो वो कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स होती हैं कुछ भी जो अनाउंस करते हैं, हम वो भी वीडियो बना देते हैं, नहीं तो हम इंस्टाग्राम पर पहले पोस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्रोग्राम जो जो अवेलेबल हैं जैसे कॉलेज डिप्लोमा इन कमर्शियल एविएशन, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, वेरी मच हाई इन डिमांड। एंड इवन ये तो अगर आप इंडिया में, अगर आप वहाँ पर कनाडा में भी करते हो और इंडिया भी आ रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस मिल सकते हैं इफ़ यू आर स्किल इनफ। और फिर आ जाता है जी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑप्शनल कोऑप के साथ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इसके भी ऑप्शनल कोऑप है, एंड फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑप्शनल कोऑप है। इसमें ऑप्शनल कुछ टेस्ट होते हैं एंड वो आप क्लियर करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको मिलता है, ठीक है। और फिर आ जाता है जी कॉलेज डिप्लोमा इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑप्शनल कोऑप के साथ, और फिर आ जाता है जी कॉलेज डिप्लोमा इन वाटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑप्शनल कोऑप के साथ, इसके कॉलेज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑप्शन को आपके साथ। और हाँ, इन प्रोग्राम में अगर आपने आईटीआई की हुई है यू कैन अप्लाई दैट आल्सो, बट आपके आईटीआई के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम आपको रेफ़र कर सकते हैं कौन से प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हो आप। एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, एंड इवन मान लो कोई अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट, आपका गैप आ चुका है या फिर आपकी रिफ्यूज़ल आ रही है बार बार, तो मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा आप आईटीआई कर लीजिए। आईटीआई करने के बाद ऐसे किसी प्रोग्राम में अप्लाई कीजिएगा, उसमें आपके वीज़ा आने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे, ठीक है। और फिर आ जाता है जी कॉलेज डिप्लोमा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, अगर आपके केमिस्ट्री में नंबर अच्छे हों तो उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रोग्राम भी ले सकते हो। फिर आ जाता है कॉलेज डिप्लोमा इन कोलिजन रिपेयर रिफर्शिंग एंड ऑटोमोटिव सर्विस, तो बेसिकली ऑटो टेक के रिलेटेड हैं। जैसे कुछ आईटीआईज होती हैं स्पेसिफिकली इनके रिलेटेड, तो है ना कार इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो व्हीकल इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो आप यहाँ पर उन आपने जैसी की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स रेफर किए जाएंगे। ये बेसिक प्रोग्राम है, बट जब भी आप हमें मेल करेंगे हम आपको जो भी प्रोग्राम रेफर करेंगे वो होगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, बिकॉज़ हर प्रोफाइल में कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो हमारा देखो यार, मैंने आज भी किसी के साथ बात कर रहा था, उनके साथ मैंने ये शेयर की थी कि मैं ना थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूँ, तो हमारे जितने मर्जी वीज़ा अप्रूव हो जाएँ, जब अगर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना तो उसका बड़ा दुख लगता है। तो मेरा आदत ही विद टाइम, जब से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी एक अजीब सी आदत ही बन गई कि मेरा है ना बहुत सेफ खेलने की कोशिश करता हूँ। देखो एंड ऑफ द डे वीज़ा हाई कमीशन के हाथ में है, बट मेरा ये मानना है कि भाई अपनी तरफ से बेस्ट करो ताकि बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो ही ना, अप्रूव हो। तो हर बार हमें कुछ नया 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 सीखते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग में आपको कोर्स रेफर किए जाएंगे। तो आप यू कैन हैव अ फ्यू कोर्स लिस्ट इन योर माइंड के सर ये मैं चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं हम, बट आप हमें भेज दीजिएगा, हमें जो जिसमें लगेगा ना कि आपके वीज़ा आने के चांसेस अच्छे हैं हम उनमें अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। एंड करंटली 10 मई तक हमारे पास ऑफर चल रहा है, जिसमें वैसे हमारी फाइलिंग फ़ीस होती है 15,000, बट हमने वो भी वेवर किया हुआ है, आपको कुछ भी हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है ना, ना बिफोर ना आफ्टर वीज़ा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ऑफर अप्लाई कर लेते हो तब तक, तो आपको वो भी ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है जी। एंड सो फार अगर आपने वीडियो देखी, आपको ठीक लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।